ओडिशा की पहली मुस्लिम महिला एमएलए कौन है? आखिर सोफिया फिरदौस चर्चाओं में क्यों बनी है? परिवार, पढ़ाई और बैकग्राउंड से लेकर जानिए सब कुछ। ओडिशा की बारामती कटक सीट से कांग्रेस की नवनिर्वाचित एमएलए सोफिया फिरदौस ने अपने नाम को अब इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया है। सोफिया फिरदौस आजादी के बाद ओडिशा विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली मुस्लिम महिला विधायक हैं। एमएलए सोफिया मौजूदा विधायक मोहम्मद मोकीम की बेटी हैं। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार सोफिया ने बीजेपी के प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ उम्मीदवार को 8000 से ज्यादा वोटों से हराकर कड़ी शिकस्त दी। जानकारी के मुताबिक सोफिया फिरदौस ने 52 साल बाद इस सीट पर कांग्रेस से जीत दर्ज की है। वहीं सोफिया को इस विधानसभा चुनाव में 53,197 वोट मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार को 45,223 वोट ही मिल पाए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेडी के उम्मीदवार को 39,934 वोट मिला, जो वो तीसरे स्थान पर रहे। सोफिया पेशे से एक सिविल इंजीनियर हैं और एक रियल स्टेट फर्म के निदेशक भी हैं। 2022 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर से एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम भी उन्होंने पूरा किया। सोफिया ने साल 2023 में कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भुवनेश्वर चैप्टर का अध्यक्ष चुना गया। अपनी जीत को लेकर सोफिया ने खास बातचीत के दौरान आने वाले समय को लेकर क्या कुछ बताया, वो सुनवाते हैं। First of all, I would say that I am a proud daughter of my city, Katak, and born and brought up in Katak, studied in Katak, also I'm doing my business also in Katak. So the people of Katak have trusted their daughter and they have voted for me. Also, if you see my profile, then I have always promoted my culture, my food, my our textiles, our fabrics, our festivals, widely within the organization, within social groups, as well as widely in the social media space. As a proud Odia, I would say that it's my privilege to be speaking to you right now. And as a proud Katkia, proud Odia and an Indian, coincidentally, yes, I am a Muslim and it's the first Muslim so history. It is people are saying ki you have created history. I would like to work for my Katak so that Katak is able to make a lot of histories and Katak is able to get back on the map of India very soon, and we will be able to add a lot of value to our city. Because as I am a woman, and if you know the former chief minister who was a lady called Nandini Satpati ji, so she was also a daughter of Katak, and she became the chief minister of Odisha.